शेख, कुरान अगर हिफ्ज करके भूल गए तो कोई मेरे फ्रेंड दोस्त है उन्हें पूछो बोल के बोले। कुरान पढ़ के भूल गए तो डबल गुना होता बोले शेख उन्हें। नहीं देखिए, कोई आदमी हिफ्ज किया है तो फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको दोहराते रहे, और जो हाफिज नहीं भी है उसके लिए भी यह हुक्म है कि कुरान को मुकम्मल तौर से ना छोड़ दे। कुरान को मुकम्मल तौर से छोड़ना ये जायज नहीं है, लेकिन जहां तक भूलने का मसला है तो पढ़ने के बाद भी आदमी भूल सकता है। कि किसी ने हिफ्ज किया, वो मुसलसल पढ़ रहा है, उसके बाद भी वो भूल सकता है। तो अगर वो मुसलसल पढ़ रहा है तो अपनी जिम्मेदारी वो अदा कर रहा है, तो भूलने पर इस तरह से गुनाह नहीं है, भुला देने पर गुनाह है, उसको भुलाना नहीं है। बाकी भूल जाना ये तो इंसान की फितरत है, याद करके इंसान भूल जाता है। तो फकत इस डर से बहुत सारे लोग कुरान को इस डर से नहीं हिफ्ज करते हैं कि मैं भूल गया तो गुनाह है। भाई जब आप याद करोगे तो इस पर आपको सवाब है। अब याद करने के बाद आप कोशिश करो कि उसको दोहराते रहो ताकि भूले ना। तो इस डर से कुरान का हिफ्ज करना छोड़ देना कि मैं भूल गया तो गुनाह है, ये सही नहीं है। अगर आप भूल गए, आपने कोई सुस्ती कोताही नहीं की है, आप मुराजा कर रहे हैं, उसके बाद भी भूल सकते हैं, तो कोई गुनाह नहीं है।